नर्मदापुरम ने किया सपना साकार। निर्विरोध जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचित। नर्मदापुरम जनपद पंचायत को मिले निर्विरोध अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। निर्विरोध निर्वाचन करने वाली पंचायत बनी नर्मदापुरम। भूपेंद्र चौकसी नर्मदापुरम जनपद पंचायत अध्यक्ष और श्रीमती मंजूलता नीलेंद्र पटेल उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीता शरण शर्मा के कुशल नेतृत्व में और युवाओं के बीच सबसे लोकप्रिय चेहरा बनकर नजर आते पीयूष शर्मा की लोकप्रियता, साथ ही भाजपा पर्यवेक्षक अल्केश आर्य की रणनीति ने विपक्षियों को लगातार शिकस्त का मुंह दिखाया। इस तरह संपूर्ण नर्मदापुरम में भाजपा ने विजय ध्वज लहराया। मौजूद है अल्केश आर्य सर के साथ, जो कि संगठन की तरफ से पर्यवेक्षक बन के आए हैं जनपद पंचायत के लिए और ज़िला पंचायत। जनपद पंचायत की जहां तक हम बात करें, जहां तक ताल्लुक है जनपद पंचायत का, तो आप देख रहे हैं कि ज़िले की पूरी पंचायतों में भाजपा ने अपना परचम लहराया है और फतेह हासिल की है हर तरफ। और उसके कहीं ना कहीं सूत्रधार अगर बोला जाए तो अल्केश सर यहाँ पर मौजूद हैं। भाई साहब यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत कम उम्र में आपने बहुत बड़े बड़े दायित्वों को निर्वहन किया है और बहुत सारी सदारत की है। आप विधायक भी रहे हैं, आप नगरपालिका अध्यक्ष भी रहे हैं और आप एक बड़ी शख्सियत हैं। तो आज हम उनके साथ मौजूद हैं नर्मदापुरम में, जिला कार्यालय में, भाजपा जिला कार्यालय में, जो कि यहाँ पर रायशुमारी चल रही है। हम कुछ बात करने आए हैं कि किस तरीके का मीज़ान है, किस तरीके के यहाँ पर समीकरण आ रहे हैं। तो हम चलते हैं अल्केश आर्य सर के पास, कि हम उनसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके की अभी योजनाएं हैं और जो रणनीति हैं, तो वो किस तरीके से इस चुनाव को देखते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को देखते हैं। सर आपका बहुत स्वागत है सबसे पहले। धन्यवाद। सर जानना चाहेंगे कि अभी क्योंकि ऐतिहासिक जीत नर्मदापुरम में भी दर्ज हुई है, नर्मदापुरम ने एक अपना एक अलग कहीं ना कहीं रोल मॉडल पेश किया है, तो सर ये ऐसा क्या पॉसिबल है कि मुमकिन है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जिला पंचायत में भी इस तरीके के निर्विरोध चुनाव परिणाम आ सकते हैं? आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नर्मदापुरम जिले में भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी मैं नर्मदापुरम लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी था और उस समय मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पे जीतने वाला लोकसभा क्षेत्र नर्मदापुरम था। मोदी जी का जो सपना था, मोदी जी का जो अपील थी कि कांग्रेस मुक्त भारत, और उसमें नर्मदापुरम जिला बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है। आप सब देख रहे हैं यहाँ पे लोकसभा पूरी की पूरी 100% विधानसभा, और आज जनपद पंचायत के चुनाव सम्पन्न हुए हैं। सारी जनपदों में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है। कल जिला पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी आने ही वाली है और आगे नगर पालिका नगर पंचायतों के चुनाव में भी 100% भारतीय जनता पार्टी आएगी। तो अब भैया हम ये भारत में ये विश्वास से कह सकते हैं कि मोदी जी की अपील नर्मदापुरम जिले में साकार यहाँ की जनता कर रही है, और निश्चित रूप से हम बहुत तेज़ गति से कांग्रेस मुक्त जिला बनाने की ओर अग्रसर हैं। सर जिस तरीके के परिणाम आए हैं, परिणाम काफ़ी चौंकाने वाले हैं, ऐतिहासिक हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो विपक्षी दलों का तो कहीं ना कहीं बोला जाए तो अस्तित्व वो बहुत ज़्यादा खतरे में डाल दिया है भाजपा ने, तो कहीं ना कहीं उम्मीदें भी नागरिकों की, एक आम नागरिक की, भाजपा से बहुत ज़्यादा जुड़ी हैं। तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे कि नागरिक अगर विश्वास कर रहे हैं तो वो किस तरीके से कर पाएँ और कितना कर पाएँ? जनता ने भारतीय जनता पार्टी को कुछ करने के लिए पिछले चुनाव से जिताया है और निश्चित रूप से उसमें हम सफल हो रहे हैं। चाहे स्वच्छता की हो, चाहे आवास का मामला हो, चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे सिंचाई का मामला हो, सारे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने पहले की तुलना में बहुत कुछ काम किए हैं। और इस कोविड काल में जो महामारी के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार काम किया, वैक्सीनेशन का, फ्री अनाज देने का, और इसके कारण जनता में एक असर है। जनता चाहती है कि मोदी जी के हाथ में और शिवराज जी के हाथ में देश सुरक्षित है। और जब अभी मेरी जिला पंचायत सदस्यों से राय शुमारी हुई है और सभी ने कहा है, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं आपसे, कि सब ने ये कहा है कि जो संगठन तय करेगा हम उस बात को मानेंगे, हम उस बात को मानेंगे। ऐसा कहीं होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये होने जा रहा है। सब ने ये कहा कि पहली लाइन जो संगठन तय करेगा हम उसको मानेंगे। और मुझे विश्वास है कि तीन प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित होकर आए हैं और तीनों के तीनों भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी का ही निर्विरोध अध्यक्ष बनने जा रहा है और कल इसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। सर इन परिणामों को क्या हम आगे के विधानसभा से जोड़ सकते हैं और रोड मैप मान सकते हैं? बिल्कुल,
आगे एक साल बाद विधानसभा के चुनाव हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले विधानसभा चुनाव के जस्ट बाद नगर निकाय के चुनाव और ग्राम पंचायतों के चुनाव हो जाते थे, इसलिए जनता सरकार को देख के वोट दे देते। लेकिन अब की बार तो जो सरकार ने काम किया है उसको देख के वोट दिया है, तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी बहुत तेज़ गति से और पहले की तुलना में ज़्यादा बहुमत के साथ आगे आएगी। सर, युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवाओं के लिए अभी जो सदस्य चुन के आए हैं उसमें ज़्यादातर युवा हैं, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर पंचायत हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, जनपद पंचायत हो, जिला पंचायत हो, सारी जगह है। युवाओं के हाथ में जनता ने बागडोर दी है और युवा भाग दौड़ करके निश्चित रूप से विकास के कार्य करेंगे और ईमानदारी से करेंगे और जो जनता की सोच है उसको साकार करेंगे। धन्यवाद। खबर भारतवर्ष के लिए नर्मदापुरम इटारसी से ताज खान की खास रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।